हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं फिर हाजिर हो गई हूँ आप लोगों के बीच में अपने YouTube परिवार के साथ में। दोस्तों देख रहे हैं ये पौधा कितने मतलब जो है उसके तरह से बिल्कुल निकलता हुआ चला जाता है ये तो। और देखिए बहुत ही बल्बस प्लांट है। अगर एक कहीं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए तो आप इसको ला करके लगा सकते हैं फ्रेंड्स। ये रियो प्लांट फैमिली के है बताते हैं, लेकिन आप लोग बताइए, मेरे को इस समय ध्यान नहीं आ रहा फ्रेंड्स। ये बिल्कुल घुइयां कैसे, जैसे अरबी में ये छोटे 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 वो निकलते रहते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए कितने इसमें पौधे बन करके, ये देखिए कितने इसमें तैयार हुए हैं। ये देखिए एक जने मैंने कितने लोगों को इसमें मैंने पौधों को बांट दिए हैं, कितने भी लोगों को दिए होंगे कोई अंदाज़ा नहीं है। और फ्रेंड्स ये बहुत अच्छे से, अगर इसको यहाँ से भी काट देंगे ऐसे, तो ये यहाँ से भी काट देंगे तो भी ऊपर की डंडी इसकी लग जाती है। और चाहे 15 दिन बाहर पड़ा रहे उसके बावजूद भी आप अगर लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, सबसे ज़रूरी चीज़ है कि मैंने सर्दियों में, ये नवंबर या दिसंबर में मैंने इसको, ये प्लांट को मैंने लगा के तैयार किया था। मैंने उसे कटिंग से, ये हमारा अनानास का प्लांट है। ये देखिए हमारे, ये मैंने कहा, मेरी किसी व्यूअर फ्रेंड ने कहा कि इसमें मिट्टी कम है, तो फ्रेंड्स आप लोग सलाह बताएं कमेंट्स करके कि मैं इसमें ट्रांसफ़र करूं कि नहीं करूं। अभी हला में अभी हमारी इतनी बड़ी क्यारी में लगा हुआ है और ये दो हैं इसमें पौधे, तो ये फ्रेंड्स आप ज़रूर कमेंट्स करके बताएं कि मैं इन इन पौध इसको फ्रूट प्लांट को मैं लगाऊं, ट्रांसफ़र करूं कि नहीं करूं। क्योंकि इस समय बहुत अच्छा समय तो खैर चल ही रहा है, तो आप ज़रूर कमेंट्स करके बताएं फ्रेंड्स। और जो है ये अनानास का पौधा कटिंग से ही ऊपर से लगता है, जो ऊपर हमारे जो पत्तियां ऐसी, ये पत्तियां निकली होती हैं, तो इसी पत्तियों को मैंने क्या किया था कि पहले पानी में डाल करके इनके रूट्स तैयार किए। रूट्स तैयार करने के बाद में फिर मैंने 20 रोज बाद ये लगाए थे। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारे सक्सेस हो गए हैं। तो ऐसे हम लोग जब धीरे धीरे गार्डनिंग करते हैं और नॉलेज एक दूसरे से लेते रहते हैं फ्रेंड्स। ये मैंने पहले कभी भी नहीं लगाए थे, लेकिन अब जब मैंने लगाए तो अब तो मेरे को लगता कि कहीं से भी एक मिल जाए तो मैं ला कर के तुरंत लगा दूँ इसमें। तो ये फ्रेंड्स देखिए कि अब ये बताते हैं, कुछ लोगों ने बताया कि 1 साल बाद इसमें शूटिंग हो शुरू हो जाएगी। और जब इसकी शूटिंग होगी तो जो ऊपर से ये निकलेंगे इनका, ये ऊपर से जब ये फिर तैयार होंगे तो फिर इसी पेड़ में फिर पौधे तैयार बनकर के रेडी हो जाएगी। फल तो मुझे हार्वेस्ट करने को मिल जाएंगे और ये जो है फिर ऊपर से हमारी मिल जाएगी। अगर आप पहली बार अगर विजिट कर रहे हो हमारे चैनल में तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें अगर इच्छा हो तो। नहीं इच्छा है तो कोई बात नहीं फ्रेंड्स, और कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, क्योंकि हम एक दूसरे को, लोगों को देखते हैं, नॉलेज लेते रहते हैं और करते रहते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो है मैंने ये रजनीगंधा को मैंने इसको ट्रांसफ़र किया था। ये देखिए इसमें कोई कीड़ा ये तैयार लग गया है, तो ये इन दिनों में ये कीड़े वीड़े सब लगते ही रहते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए ये इसको क्या बोलते हैं, ये पौधे को ही बर्बाद कर देते, कि देखिए कितनी तेज चल रहा है ये। और ये अगर कहीं जड़ में चला गया तो पौधे को बिल्कुल बर्बाद कर देगा फ्रेंड्स। तो ये देखिए हमारी ये रजनीगंधा है, ये रजनीगंधा भी मैंने इसको तैयार कर दिया। ये रजनीगंधा भी ये फ्लावरिंग के लिए हो जाएगा। तो ये फ्रेंड्स मैंने ये रियो प्लांट का जो है, इनकी वैरायटी मैंने 4 इस तरफ लगा रखी है। और फ्रेंड्स अगर किसी को बल्ब, अगर लोकल में कानपुर में कहीं रहते हैं तो मेरे से अगर लेना चाहते हैं तो आप लोग ले जा सकते हैं इसको जो है, इनके ये जो बल्ब हैं तो हमसे ले सकते हैं इन बल्बों को। अगर कानपुर में कहीं रह, लोकल में कहीं आसपास हैं तो हमसे अगर पौधे लगाने के शौकीन हैं तो फ्रेंड्स आप लोग ले जा सकते हैं। देखिए बहुत पौधे हमारे पास रेडी हो गए हैं। और आप लोग भी ऐसे गार्डनिंग करते रहें, छोटे छोटे आइडियाज लेते रहें एक दूसरे से।
और आप लोग भी अपना ख्याल रखें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।